हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नौसिन न्यूज़। सो आज मैं आपके साथ एक इजी एंड सिंपल होम रेमेडी शेयर करूँगी। ये आप विंटर सीजन में इजीली इस्तेमाल कर सकते हो और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो बिना कुछ देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका इजीली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कुछ देरी के चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रेमेडी बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा दही, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है वो हनी, तो यहाँ पर हनी का भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तीनों चीज़ों का हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये कुछ हमें ऐसे कंसिस्टेंसी में दिखेगा। ये ज़्यादा रनी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी में आपको ये मिल जाएगा। तो हमें अच्छे से इसको फेस वॉश करके अपने फेस पे अप्लाई करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, कोई भी होम रेमेडी ट्राई करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही होम रेमेडीज़ को अपने फेस पर अप्लाई करें। यहाँ पर मैंने 2 लेयर फेस पैक के अप्लाई किया था। फर्स्ट मैंने अप्लाई किया, उसके 2 से 3 मिनट के बाद मैंने अगेन फेस पैक अप्लाई किया था। उसके बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही फेस पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम ठंडे पानी से फेस वॉश करेंगे। कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और स्किन में इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारी स्किन को टाइटन अप करता है और स्किन वाइटनिंग में हमारी हेल्प करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन से डेड स्किन को क्लीन करता है और ओपन पोर्स को टाइटन अप करता है, और ये अच्छा मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करता है। तो ये बेस्ट फेस पैक है फॉर ड्राई स्किन। 15 मिनट्स के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप एक फेस पे देख सकते हो एक नेचुरल ग्लो है, एक वाइटनिंग प्रोवाइड किया है इस फेस पैक ने, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को। डर में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई डल डैमेज हो जाती है, तो ये फेस पैक आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो और मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगा, बहुत स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। आई होप ये होम रेमेडी आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।